जैसे आपने बोला कि आपने कुछ प्रसिद्ध भविष्यवाणियाँ की है, तो अभी हाल फिलहाल में कोई भविष्यवाणी जो आपने की हो जो सच हुई? देखो एज यू सेड, जैसे आपने अभी भी बताया था करके टर्की और सीरिया वाला भूकंप, वो मैंने पहले दिसंबर में मैंने बता दिया था, या फिर अतीक अहमद जी वाला जो अभी जो केस हुआ है वो भी मैंने पहले उसको 10 डेज पहले मैंने पहले बता दिया था। उसकी मेरे पास वीडियो भी है, वो वीडियो ऑलरेडी मेरा एक इंटरव्यू के दौरान है, वो मेरे पास है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अतीक अहमद के बारे में जब उनका मर्डर हुआ था 10 दिन पहले, आपने इंटरव्यू में बताया फिर उनका मर्डर हो गया? जी जी बिल्कुल, वो वीडियो है। तो प्रभु, जैसे आप दावा करते हैं कि आप भगवान से बात कर सकते हैं या आप किसी भी इंसान का भविष्य बिना कुंडली वगैरह देख के बता सकते हैं, तो क्या ये अगर मैं सीखना चाहूँ किसी आदमी का भविष्य बताना या भगवान से बात करना, तो क्या ये हर किसी के लिए संभव है आसान से सीखना? प्रभु, मैंने आपके पुराने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पर आप ये दावा कर रहे थे कि आप भगवान से बात कर सकते हैं, तो ये भगवान से बात करने का इसको थोड़ा समझाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, प्राइम इंडिया में आज हमें ऐसे शख्स एक मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने 16 साल तक घोर तपस्या की और उस तपस्या का परिणाम इन्हें ये मिला कि अब ये भविष्य देख सकते हैं। और दोस्तों, भविष्य भी वो बिना हाथ, बिना कुंडली, बिना माथे या कुछ भी देखे बिना ये किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भगवान से भी बात करने का दावा करते हैं कि भगवान से डायरेक्ट बात करते हैं और उनसे पूछे बगैर ये कुछ नहीं करते हैं। दोस्तों, इस इंटरव्यू के बाद हमारे चैनल पे सेम कंटेंट जो पहले आता था, विदेशी जो भक्त हैं उनके इंटरव्यू या दो देसी भक्त हैं उनके इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के बाद वो सब चीज़ आपको चैनल पे देखने के लिए मिलेंगी। पहले इनसे बात कर लेते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। राधे, क्या नाम है भैया आपका? नाम मेरा मनीष है जी, दीपक जी। मनीष भैया, आप हमें बता रहे थे कि आपके अंदर ऐसी खूबी है कि आप बिना हाथ देखे, बिना कुंडली देखे, बिना माथा देखे या कुछ भी बिना देखे आप सामने से किसी भी इंसान का भविष्य बता सकते हैं, क्या ये सच है? हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल ये सच है। और ये मैंने जो खूबी बोलेंगे या फिर जो भी कुछ है, ये बड़ी तपस्या के बाद मुझे मिला है दीपक जी। मैंने इसके लिए 16 सालों तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, उसके बाद मुझे ये चीज़ हासिल हुई है। आप कह रहे हैं कि आपने 16 सालों तक संघर्ष किया है, तो वो जो 16 साल आपके संघर्ष के उस बारे में बताइए कि आप कहाँ थे, कैसे आपने तपस्या की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तपस्या के लिए कोई विशेष स्थान मैंने चुना है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ विशेष कार्य किए हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी तप था वो सब मानसिक था, शारीरिक आर्थिक कुछ भी नहीं होता इसमें, क्या है, सब कुछ मानसिक करना पड़ता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बताए हुए हैं आपने देखा, सब जो भी जो कथावाचक जो भी बताते हैं वो सब सच करके करना पड़ता है आपको, सारे अच्छे कार्य करने हैं आपको, कुछ किसी के साथ बुरा नहीं करना, बस वही सब फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य रखना पड़ता है आपको प्रभु प्राप्ति का और उनसे मिलन का, उसके बाद सब कुछ ये हो पाया मेरे साथ में। जैसे कुछ लोग हिमालय जाते हैं, बैठते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, व्हाट्सअप होता है, ऐसा आपने कुछ नहीं किया? देखो, आप इसको हिमालय करो बात एक ही है, यहाँ करो बात एक ही है, वो तो उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जो लोग हिमालय जाते हैं उनको भी वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इतना राम 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 करने से भगवान मिल जाते सबको, तो फिर तो लोगों को ये हज़ार वर्ष तपस्या कोई कहीं इसने की है, आपने देखा हो वे तो पुराणों सुना होगा, तो ये सब सच है। ये इतना आसानी भगवान मिल जाए फिर लोग वहाँ क्यों जाएंगे, तो ये भी सच है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं इसके लिए, लेकिन हाँ आप प्राप्त कहीं से भी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो, आप हिमालय कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं कि विशेष कोई वो हो। प्रभु, मैंने आपके पुराने कुछ इंटरव्यूज़ देखे जहाँ पर आप ये दावा कर रहे थे कि आप भगवान से बात कर सकते हैं, तो ये भगवान से बात करने का इसको थोड़ा समझाइए। देखो, प्रभु से बात करने बात पर सबका यकीन करना बड़ा मुश्किल है, यदि आप उसको ऐसे बोलेंगे कि मैं भगवान से बात करता हूँ तो लोग दे विल नॉट बिलीव, लोग नहीं विश्वास माने, नहीं मानते लोग करके, लेकिन सबके पीछे हैं भाई, जो भी आप कुछ बता रहे हो बिना कुछ देखे, हॉरोस्कोप नहीं देख रहे हैं आप, किसी का पाम रीडिंग नहीं कर रहे हो, हेड रीडिंग नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप बता रहे हो, तो उसके बाद क्या मतलब है? इसका मतलब ये सीधा है कि आपका सीधा यू हैव द कनेक्शन विद द गॉड, आपका भगवान से डायरेक्ट संबंध है, तो ये सब होता है। एक तो होता है कि मानते हैं लोग कि हाँ मेरा भगवान के साथ संबंध है, एक होता है कि आदमी को फील होता है कि हाँ मैं भगवान के साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, भगवान मुझे कुछ बता रहे हैं, भगवान को मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपके साथ होती है भगवान के साथ कोई संवाद कर रहे? हाँ दीपक जी, आपको बस विश्वास करना पड़ेगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं प्रभु से बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो किसी के वो बस में नहीं है, बोलते हैं भक्त बस में भगवान है, लेकिन आप बोलेंगे जी इतने दीन दुखी लोग हैं आप इनको ठीक कर दिए, भगवान से बोलें आप, मतलब भगवान आपसे संपर्क में है, आपसे बात करते हैं, आपसे उनका संबंध है, तो सबको ठीक कर दीजिए, कोई परेशान ना रहे, ऐसा नहीं होता। सदियों से लोग प्रयास करते हैं कि सबका कल्याण हो, किसी का हुआ कल्याण क्या? नहीं हुआ ना, जब भी लोग दुखी थे आज भी लोग दुखी हैं, तो उनकी वो लीला है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, मैं भगवान से बात करता हूँ या नहीं करता,
जैसी भी आप इस विषय में बात चल रही है बात करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ सब ठीक हो जाए, नहीं होंगे, उनकी मर्जी की होती है सब कुछ करने की, लेकिन हाँ उनसे आप कनेक्शन कर सकते हो जी। अच्छा, जैसे मैं आपके पुराने इंटरव्यू देख रहा था तो आप वहाँ पे बता रहे थे कि आप लोगों की शारीरिक समस्याएं दूर करते हैं, मानसिक समस्याएं दूर करते हैं, आर्थिक समस्याएं दूर करते हैं, तो ऐसा आपने कभी किसी की समस्या दूर करी है, और अगर करी है तो आप कैसे करते हो इसे? नहीं, मुझे तो बस उनको एक बार कहना पड़ता है, मुझे तो उनसे एक बार कहने पड़ता है सर ये दिक्कत है, आप मुझे कुछ बोलो सर, बोलो कुछ, प्रभु बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, सर ये दिक्कत है इस बंदे के सामने, तो वो बोल देते हैं होगा या नहीं होगा, बता। उन्हें उपाय बताते होंगे कुछ? बिल्कुल उपाय बताता हूँ उनको मैं, जो भी है ना। अच्छा देखो, उपाय में ऐसा क्या रखा है भाई, मैं यदि मैं इतना बड़ा जानने वाला प्रभु का हूँ तो मैं तो सीधा बोलूँगा प्रभु ये ठीक कर दो, तो वो कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो भी सब एक शेड्यूल्ड बाइड होता है, बाइज होता है कि हाँ आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब ये काम होगा, तो ऐसा होता है, तो उपाय बताने पड़ते हैं, तो उसके बाद सब कुछ होता है। तो प्रभु, जैसे आप दावा करते हैं कि आप भगवान से बात कर सकते हैं, या आप किसी भी इंसान का भविष्य बिना कुंडली वगैरह देख के बता सकते हैं, तो क्या ये अगर मैं सीखना चाहूँ किसी आदमी का भविष्य बताना या भगवान से बात करना, तो क्या ये हर किसी के लिए संभव है आसान से सीखना? दीपक जी, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, यदि ऐसा होता तो हर व्यक्ति भविष्य बताने वाला होता। दीपक जी, इस कार्य के लिए प्रभु कुछ विशेष लोग चुनते हैं, वो लोग कौन होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, कि जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पण कर सकता है, जो अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित कर सकता है, ये उन लोगों के लिए है जो तपस्या वगैरह करते होंगे, जैसे आपने किया। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जो संघर्ष किया है, जो मैंने लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद जो मुझे ये प्राप्त हुआ है, तो ये उस तरह के लोगों के लिए होता है। अच्छा, आप लोगों की किस किस प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं? समस्या जो भी है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, जो भी समस्या होती है, कुछ भी हो, तो अगर जैसे आप लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं अपनी समस्या को लेके, तो आपसे किस माध्यम से संपर्क कर सकते हैं? क्या आपके निवास पे आना पड़ेगा? नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप मेरे को फ़ोन के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आपने कुछ प्रसिद्ध भविष्यवाणियाँ की है, तो अभी हाल फिलहाल में कोई भविष्यवाणी जो आपने की हो जो सच हुई? देखो, एज यू सेड, जैसे आपने भी बताया था करके, टर्की और सीरिया वाला भूकंप, वो मैंने पहले दिसंबर में मैंने बता दिया था, या फिर अतिगामन जी वाला जो अभी जो केस हुआ है, वो भी मैंने पहले उसको 10 डेज पहले मैंने पहले बता दिया था, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, वो वीडियो ऑलरेडी मेरा एक इंटरव्यू के दौरान है, वो मेरे पास है। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अतीत अहमद के बारे में, जब उनका मर्डर हुआ था 10 दिन पहले, आपने इंटरव्यू में बताया फिर उनका मर्डर हो? जी जी बिल्कुल, वो वीडियो है। जैसे आपने बताया कि आप ना आदमी का हाथ देखते हैं, ना कुंडली देखते हैं, ना कुछ देखते हो, आप उसका भविष्य बता देते हैं, तो मतलब ये कैसे संभव है? उसके पीछे जहाँ तक मैंने मैकेनिज्म की बात है, तो दीपक जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि बस आप जो मेरे जो ये सुन रहे हैं, मैं बता दूँ उनको, बस एक वर्ड में समझ जाए, वो माने ना माने मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कि सीधे मैं प्रभु से मेरे को बताते हैं, जो भी पूछता हूँ वो मुझे सीधे बताते हैं, जो भी है। जैसे दीपक जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने ऐसे आपको बताया पहले भी, मैं ऐसे ही बात करता हूँ प्रभु से, मैं ऐसे ही बात करता हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ही पूछना है सब बताएंगे वो। जैसे मैं आपके सामने हूँ अभी, या मैं आपसे फ़ोन पर जुड़ सकता हूँ, जुड़ गया आपसे, तो क्या आप मेरा भविष्य बता देंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्यों नहीं। अच्छा, आप मेरे बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जो कि, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं वीडियो बता सकूँ कि आपने सही बोला है, कुछ बातें, 2-3 बातें आप मुझे लेके बता सकते हो? जी दीपक जी, बताइए आप किस विषय में पूछेंगे? आप मुझे मेरे करियर के बारे में कुछ बता दीजिए। करियर दीपक जी, आपका करियर का जहाँ तक साव है, 3-4 साल आपके बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं, और जहाँ तक अब आपको सफलता की बात है, जो आपके जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 1 ईयर से आपको थोड़ा सफलता प्राप्त हुई है, और बताइए। दोस्तों, अब पता नहीं, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक है। मैंने YouTube चैनल बहुत पहले बनाया था, 2019 के आसपास बनाया होगा, 18-19 में, लेकिन हाँ पिछले 1 साल से लगभग मेरा काम बहुत अच्छा चला है, तो ये काफ़ी हद तक इन्होंने सही बताया है, लेकिन अब कैसे बताया आपने इसे, मतलब कभी आप, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने थोड़ा सोचा, क्या सोचा आप? नहीं नहीं, मैं देखो, वो तो हर जगह विद्यमान है, जो सुनने वाले हैं आप बोल रहे हैं तो वो तो सुन रहे हैं ना, तो मैं तो उनसे ही पूछता हूँ ना। आप भगवान से पूछ रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, यूनिवर्स तो खैर बहुत बड़ी बात होगी, अर्थ पे जितने भी काम हैं, पृथ्वी लोक पे जो भी है, जो भी इंसिडेंट्स हैं, उनको मैं 1 सेकंड में, और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ये काम करना छोड़ दूंगा, कोई भी, ये सारे काम इंडिया में ज़्यादा होते हैं, और कहीं तो होते नहीं, हॉरोस्कोप कहीं नहीं, कोई भविष्यवक्त कहीं नहीं होते। दीपक जी, जहाँ तक मात्रात्मक प्रश्न की बात है, जो उत्तर हैं उन प्रश्नों के उत्तर हैं, मेरे सटीक कोई उत्तर दे देगा प्रश्नों के,
मात्रा क्वांटिटी वाले जो प्रश्न है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर आपसे भी पूरे विश्व के बारे में और भारत के बारे में अगर आपसे बढ़िया कोई भविष्यवाणी कोई हाँ कोई अगर सटीक भविष्यवाणी आप ज़्यादा करते तो आप ये काम छोड़ते। भविष्यवाणी डिफरेंट थिंग, लेकिन जो मात्रात्मक जो प्रश्न होते हैं जिनमें एग्जैक्टली मात्रात्मक समझ रहे मात्रा क्या क्वांटिटी वाले जो प्रश्न होते हैं वो तो आप ज़्यादा बिल्कुल। तो पास्ट में कोई ऐसा बोला मात्रात्मक? मैं सर क्या बोलूँ, मेरे जानकारी वाले लोग पूछते हैं बड़ा वो दे आस्क विल वेरी फनी ओके अब मेरा परसेंट कितना आएगा तो आई टेल। हाँ तो अभी भी रिजल्ट आया तो किसी ने बोला परसेंटेज के? बिल्कुल क्यों नहीं, 10-5 लोग मेरे से जानने वाले पूछते रहते हैं कितना क्या होगा, कब सिलेक्शन कब हो रहा है, प्रमोशन कब हो रहा है, सारे लोग ये सारे पूछ रहे हैं। मेरे दोस्त तो हमेशा पूछता है कि यार तू जो बोल देता है बस वही जब ही होता है, मेरा जो भी प्रमोशन होना जब ही होना है। अभी जो बोर्ड के रिजल्ट आए हैं जैसे आपने बताया कि आपने उसमें भविष्यवाणी की है तो कितने सही निकले आप? एक्जैक्टली जो मैंने जो भी जिन्होंने भी पूछा था वो एक्जैक्टली सब सही निकला, मतलब उसमें इधर उधर 1-2 1-2 वो एक मैटर नहीं करता उसमें ज़्यादा करके, क्योंकि ना चूँकि हर बात तो मैं कह रहा हूँ कि कोई 99% वाली बात तो सही है चलो ठीक है, 100% तो नोबडी कैन बी करेक्ट नोबडी कोई। अब बाबा बागेश्वर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं वो तो क्या लग रहा है वो आपको सबको बोल देते हैं कि जी आपका काम हो जाएगा तो क्या फिर सबका काम हो रहा है क्या, सबका काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, वो किसी का फीडबैक आता नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता वो, लेकिन मेरे को मालूम सब है लेकिन वो बताने वाली बात है वो प्रभु किस बात को सही बता रहे हैं नहीं बता रहे वो अलग मैटर करता है। तो प्रभु जैसे आपने बताया कि आपने 16 साल की तपस्या की है फिर आपको परिणाम स्वरूप भविष्य बताने वाली शक्ति प्रदान हुई है, तो क्या आप अभी भगवान की पूजा करते हैं या छोड़ दिया? दीपक जी नहीं, आपको पूजा तो परमानेंटली करनी पड़ेगी। देखो यदि आप एक पेड़ लगाते हो तो उसको आप नरिश नहीं करोगे पानी नहीं दोगे तो वो बड़ा नहीं होगा, तो पूजा तो मुझे हमेशा करनी पड़ती है, मैं घंटों पूजा करता हूँ और जहाँ तक पूजा के अलावा पूरे दिन जो भी कार्य करता हूँ मैं तो वो मुझे वही गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है क्या खाना है क्या बिना सब कुछ, मतलब यू आपको विश्वास नहीं करोगे मैं हर काम उनको बिना पूछे करता ही नहीं, कोई भी काम नहीं करता। आप कहाँ जाना है क्या खाना है कब खाना है ये सब आप भगवान से पूछते? एग्जैक्टली बिल्कुल हर काम मैं उनसे पूछता हूँ, वो सब काम बताते हैं मुझे कब सोना कब खाना क्या पीना कुछ सब कुछ। जैसे आप अब आपको दिन का खाना खाना है तो आप उन्हें पूछेंगे क्या खाना है? बिल्कुल मैं यहाँ बैठा हूँ मैं किधर बैठना है मुझे ये भी मैं पूछ के बैठा हूँ। ये कैसे हो पाता है मतलब आप कैसे पूछते हो इससे? ये मानने वाली बात आपकी मैंने चेस्ट का बताया अभी बताया था ना तो कैसे बताया वो मैं जब उनसे ये पूछता हूँ मैं दिक्कत कहाँ पर तो मैं यही पूछता हूँ कब खाना खाना है कब क्या करना है तो वो तो एक जनरल थिंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। और दोस्तों अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं या वीडियो में आपने जो भी देखा उससे संबंधित आपके कोई भी सवाल है अपने से संबंधित कोई सवाल है तो इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्प्ले पे भी आपको शो हो रहे होंगे, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।